पाकिस्तान की नापाक हरकतों को एक और भूतोड़ जवाब। राजस्थान के बाड़मेर में इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड पर आज उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। NH-925 पर बनी इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड पर उतारे जा सकेंगे फाइटर जेट्स। आपात स्थिति में वायुसेना के जवानों को होगी सहूलियत। राजस्थान के बाड़मेर जिले में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई आपातकालीन हवाई पट्टी, भारत पाक सीमा की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन आज। 33 करोड़ की लागत से बनी है इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड। सुबह 11 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन। विमानों की लैंडिंग के ट्रायल का भी कार्यक्रम। भारत पाक बॉर्डर पर होने की वजह से अहम है आपातकालीन हवाई पट्टी। युद्ध के समय NH-925 पर उतर सकेंगे वायुसेना के विमान। जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन भी जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वायुसेना के जवानों और अधिकारियों को करेंगे संबोधित। तालिबान का बड़ा भाई बनने की फिराक में पाक प्रधानमंत्री इमरान खान। स्कूल कॉलेजों में महिला टीचर्स के टाइट कपड़े पहनने पर लगाई पाबंदी। इमरान सरकार ने पुरुष टीचर्स पर भी लगाई पाबंदी। क्लास के दौरान जींस और टी शर्ट पहनने पर रोक। स्टूडेंट्स पर बुरा असर पड़ने की दलील। आखिरकार ड्रैगन ने दिखा दिया असली रंग। तालिबान की खूंखार सरकार को दी मान्यता। अफगानिस्तान में अमन की दुहाई। तालिबान की अंतरिम सरकार पर मोहर के साथ चीन की एक और चाल। 2 अरब 28 करोड़ 70 लाख रुपए से ज्यादा का दिया आर्थिक पैकेज। सप्ताह में आते ही तालिबान के समावेशी दावों की निकली हवा। अब क्रिकेट और दूसरे खेलों में शिरकत नहीं कर सकेंगी अफगान महिलाएं। महिलाओं को खेलों से दूर करने पर तालिबान सरकार की दलील। कहा स्पोर्ट्स के दौरान महिलाओं के जिस्म की होती है नुमाइश। तालिबान के नए शिक्षा मंत्री का अनोखा ज्ञान। कहा आज के समय में पीएचडी और मास्टर्स की डिग्री की जरूरत नहीं। खुद बिना किसी डिग्री के यहां तक पहुंचे हैं। अफगानिस्तान में अवाम के बढ़ते विरोध से डरा तालिबान। प्रदर्शन से पहले महिलाओं को लेनी होगी इजाजत। प्रदर्शन की जगह समय और नारे बताने से। सरकार गठन के बाद और खूंखार हुए तालिबानी। सरेआम महिला पर बरसाए कोड़े। अकेले घर से बाहर निकलने पर महिला को पीटा। काबुल में पत्रकार पर तालिबान ने जुल्म की आई तस्वीर। बंधक बनाकर पत्रकार को बंदूक और जूते से पीटा। बंधक बनाए गए पत्रकार की पीठ पर औजार से लिखे नंबर। तालिबानी जुल्म के बाद पत्रकार को सड़क पर फेंका गया। नॉर्दर्न अलायंस का बड़ा ऐलान। तालिबान के बाद अब अपनी कैबिनेट बनाएगा NRF। कहा नई कैबिनेट का ऐलान जल्द। पंजशीर में अहमद मसूद के नेतृत्व में नई सरकार का होगा गठन। नॉर्दर्न अलायंस ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को बताया है असंवैधानिक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन आज। चीन, रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे शिरकत। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा की संभावना। महिलाओं और बच्चों पर जुल्म चिंता का सबक। करनाल में लघु सचिवालय के बाहर जारी है किसानों का धरना। पूर्व SDM आयुष सिन्हा पर कार्रवाई की मांग पर प्रशासन से अब तक नहीं बनी बात। मिनी सेक्रेटरीट के बाहर किसानों के धरने का तीसरा दिन। सुरक्षा के मद्देनजर ITBP और BSF के जवान भारी संख्या में तैनात। पुलिस का सख्त हुआ पहरा। आंदोलन जीवियों के सरगना राकेश टिकैत का ऐलान। कहा करनाल में डटे रहेंगे हरियाणा, पंजाब और यूपी के किसान। SDM पर कार्रवाई समेत 3 मांगों पर अड़े। लघु सचिवालय के बाहर डटे किसान संगठन राकेश टिकैत ने कहा कि SDM आयुष सिन्हा को बचाने में जुटी है खट्टर सरकार। जारी रहेगी किसानों की भूमिका। किसानों की मांग पर करनाल के DC निशांत यादव का बयान। कहा जांच के बगैर कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं किसान। मनाने की कोशिश जारी। करनाल में किसान लाठीचार्ज को लेकर विपक्ष निशाने पर हरियाणा सरकार। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि न्यायिक जांच के दिए होते आदेश तो नहीं होते ऐसे हालात। रबी की फसलों में MSP बढ़ाए जाने पर पीएम मोदी का किसानों के नाम संदेश। कहा फसलों की बुआई के समय होगा फायदा। अन्नदाता के हितों में लेते रहेंगे फैसले। किसानों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। गेहूं समेत 6 रबी फसलों की MSP बढ़ाने का ऐलान। कृषि मंत्री ने घोषणा की। सितंबर के अंत में पीएम मोदी का लखनऊ दौरा प्रस्तावित। आजादी के अमृत महोत्सव में करेंगे शिरकत। नगर विकास विभाग की कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। लखनऊ में BJP की अहम बैठक आज। पार्टी कार्यालय में जुटेंगे प्रदेश अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी। मिशन 2022 की रणनीति पर होगा मंथन। यूपी में 11 सितंबर से शुरू होगा BJP का बूथ विजय अभियान। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा करेंगे शुभारंभ। आज बाराबंकी जाएंगे असदुद्दीन ओवैसी। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। 3 दिन के यूपी दौरे का आखिरी दिन आज। बाराबंकी प्रशासन ने ओवैसी को सिर्फ 3 घंटे तक कार्यक्रम करने की दी है इजाजत। सिर्फ पार्टी वर्कर्स से मिलने की छूट रही। दोपहर करीब 12 बजे बाराबंकी पहुंचेंगे ओवैसी। कटारा बारादरी में पार्टी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। यूपी चुनाव से पहले मुस्लिमों को एकजुट करने की कवायद। कल सुल्तानपुर की सभा में ओवैसी का क्लेश। मायावती पर तीखा प्रहार। कहा
सेकुलर पार्टियां कहती हैं सो जा नहीं तो ओबीसी आ जाएगा। बीजेपी की बी टीम बताने पर भड़के ओबीसी का 2017 और 19 में यूपी में नहीं लड़ी मजलिस फिर कैसे जीत गई बीजेपी गठबंधन के बावजूद कैसे हारे अखिलेश और मायावती। भतीजे अभिषेक बनर्जी को ईडी की नोटिस पर भड़की ममता बनर्जी कहा जब कोलकाता में ईडी का दफ्तर तो दिल्ली क्यों बुलाया। आज से शुरू होगा राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र बीजेपी ने सरकार को घेरने की बनाई रणनीति बेरोजगारी अपराध समेत कई मुद्दों पर हो सकता है हंगामा। 10 दिन के जयपुर दौरे के बाद दिल्ली लौटे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 29 अगस्त को विपासना साधना सेंटर गए। 10 दिन का विपासना कोर्स करने जयपुर गए थे केजरीवाल मेडिटेशन के दौरान एकांतवास में रहे मुख्यमंत्री मन को शांत करने के लिए साधना की। आज से 2 दिवसीय जम्मू दौरे पर राहुल गांधी पैदल जाकर करेंगे माता वैष्णो देवी के दर्शन मंदिर भवन में ही रात्रि विश्राम। यूपी के मुरादाबाद में हैरान करने वाला हादसा दंगल के दौरान गर्दन टूटने से 3 सेकंड में गई पहलवान की जान तफ्तीश में पुलिस जुटी। यूपी के भदोही में भिड़े दो पक्ष कुएं में कचरा डालने के दौरान मारपीट में 55 साल के शख्स की मौत ज्ञानपुर कोतवाली इलाके की वारदात केस दर्ज कर जांच जा रही। यूपी के हरदोई में मासूम के साथ दुष्कर्म के दोषी को उम्र कैद 7 साल तक चली सुनवाई के बाद पॉक्सो एक्ट के तहत अदालत ने सजा सुनाई 75,000 का जुर्माना भी लगाया। टी20 वर्ल्ड कप के दौरान टीम इंडिया को मिलेगी कैप्टन कोल की क्लास हेड कोच रवि शास्त्री को असिस्ट करेंगे महेंद्र सिंह धोनी। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए बनाया लजीज खाना खुद परोसा डिनर। धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पैड़ी पर शराब पीकर नहीं जा सकेगा कोई प्रवेश द्वार पर जल लगाया जाएगा एल्कोमीटर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी आईडी समेत नक्सलियों को दबोचा विस्फोटक को निष्क्रिय करने की भी कोशिश। गणेशोत्सव की तैयारी में जुटी शिल्पा शेट्टी इस बार राजकुंद्रा के बिना दुख हरता भगवान गणेश को घर लाई शिल्पा धूमधाम से किया बप्पा का स्वागत।